दोस्तों हमने बनाया एक जाल जंगले के ऊपर जो घर पे वेंटिलेशन के लिए रखा जाता है जाल जंगला ये जो जाल जंगला है इसके ऊपर हमने एक शेड बना दिया है जिसकी पांच खिड़कियां लगी हुई हैं इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और कितना खर्चा आता है ये भी बताऊंगा और एक ख़ास बात इस वीडियो में करने वाला हूं बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं और फिर नाटक शुरू कर देते हैं कि भाई इसमें ये कमी है इसमें ये कमी है तो उसके बारे में भी एक चीज़ बताने वाला हूँ वीडियो के एंड में हज़ार रुपये इनाम दूंगा अगर कोई मेरी बात पर खरा उतरेगा तो तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे हमने यहाँ पे एक खिड़की दी है मतलब चारों तरफ ही खिड़कियाँ हैं ये खिड़की खुल गई और ये यहाँ पे खिड़की लोक हो जाएगी ये खिड़की लोक हो गई मान लीजिए मुझे हवा चाहिए ताज़ा हवा चाहिए तो मुझे ये खिड़की खोलनी है नहीं चाहिए तो बंद रखनी है ऊपर से शीट आएगी पूरी ऊपर शीट आएगी अगर मैं पहले शीट लगा के बाद में वीडियो बनाता तो आपको खेल समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है अंदर क्या है बाहर क्या है ठीक है ऊपर से शीट लगेगी यहाँ पे टच करके दीवार के साथ और ऊपर से सिलिकॉन लग जाएगा ताकि जो बारिश का पानी जो इस दीवार के ऊपर ऊपर से जो लटकते हुए यहाँ से ऐसे होते हुए जो आता है वो वाला पानी सीधा वहाँ एंड में जाके गिरेगा जो पानी ऊपर से आएगा यहाँ सिलिकॉन लगा हुआ है वहाँ पे एंड पे जाके गिरेगा पानी इसके अंदर पानी जाने का कोई मतलब नहीं है अभी इसके आगे नेक्स्ट ये खिड़की खोलेंगे ये ऊपर स्टील का हैंडल दिया हुआ है वीडियो के एंड में प्राइस बताऊंगा दोस्तों और ये भी खोल दिया अभी ऐसा नहीं है कि खिड़की खोली और आगे ईंट लगाओ कि कहीं आंधी में खिड़की बागती ना रहे। ऐसा नहीं है यहाँ पे भी लोक है उधर भी लोक है दोनों साइड में लोक है समझे बात को और खिड़की खोल दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि मच्छर छिपकली मक्खियाँ घर के अंदर चली जाएंगी यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की जाली लगी हुई है अंदर से दिखाओ थोड़ा जाली ये स्टेनलेस स्टील की जाली लगी हुई है रस्ट नहीं आएगी इसमें कभी भी वैसे ये जाली आपको बता दूँ थर्टी रुपयी स्क्यर फिट आती है तीस रुपये स्केयर फिट अगर लोहे वाली जाली लगाते हैं तो चौदह रुपये स्केयर फिट आती है ठीक है अभी उसके बाद एक यहाँ पे खिड़की है यहाँ पे ऊपर लॉक दिया हुआ है इसको खोलेंगे ये स्टील का हैंडल लगा हुआ है और ये ऐसे यहाँ पे फिर से यहाँ पे फिर से जाली स्टील की और फास्टनर मैं आपको बताना चाहूँगा वहाँ पे एक पीछे की साइड में दो और तीन और चार और पाँच पाँच फास्टनर पीछे हैं और तीन आगे की साइड में एक दो और ये लास्ट में तीन ये जो फास्टनर हैं कभी भी आने वाले समय में आपको इस ढांचे को खोल के यहाँ से हटाना पड़ता है किसी भी कारणवंश दोस्तों चांस इस ढांचे को आपको खोलना पड़ता है अंदर जाके कुछ पेंट करना है केयर पुट्टी करना है पीओपी पी करना है पेंट करना है तो इसके ऊपर की जो फाइबर शीट लगी हुई है उसके स्क्रू खोलने पड़ेंगे और ये फिर वो अंदर जो पांच फासनर लगे हैं वो खोलने पड़ेंगे और बाहर के जो तीन फासनर लगे हुए हैं ये खोलने पड़ेंगे तब जाके ये इसको आप ऐसे हटा सकते हो और ऊपर जो सिलिकॉन लगा हुआ है वो वेस्ट हो जाएगा जब भी आप इसे दीवार से हटाओगे और कोई तरीक़ा नहीं है अगर किसी के पास ऐसा आइडिया है आइडिया होगा सबके पास है आइडियाज़ किसी को ऐसा डांचा जो हमने बनाया जो शेड बनाया है ऐसा किसी को कहीं लगा हुआ मिले या इससे अच्छा लगा हुआ मिले कम से कम इतना तो होना चाहिए नहीं तो इससे अच्छा होना चाहिए मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना मैं आपको हज़ार रुपये इनाम दूंगा वन थाउजेंड रुपीज़ इनाम जो भी बंदा मुझे इसका वीडियो भेजेगा हमारा बनाया हुआ होगा मतलब और किसी का बनाया हुआ मिल जाए तो दुनिया भर की कमियां निकालते हैं वीडियो देखने वाले ऐसे कर देते तो ये हो जाता ये चीज़ सही नहीं लगाई ये कमी छोड़ दी वीडियो बना के भेजो हजार रुपये इनाम दूंगा ये खोला स्टील का हैंडल और ये यहाँ पे लोक लोक हो गया अंदर की साइड में स्टील की जाली और ये फिर से इधर वाला खोला ये खोला और यहाँ पे स्टील का हैंडल और इधर लोक दिया हुआ है और ये हो गया अब बताऊंगा कि अभी इसे लॉक कर देते हैं इसको लॉक करने से पहले इसको पूरा बंद करना चाहिए और ये हो जाएगा ऐसे बंद तो दोस्तों इसकी खूबियाँ मैंने आपको बता दी है मच्छर मक्खी छिपकली पानी बारिश हवा चाहिए खिड़की खोलो नहीं चाहिए खिड़की बंद कर दो बिल्कुल सिंपल है दोनों तरफ लोक दिए हुए खुलेगा तब भी लॉक लगेगा बंद करेंगे तब भी लॉक लगेगा ठीक है इसके जैसे बने हुए शेड की कोई मुझे वीडियो भेजेगा मैं उसको हज़ार रुपये इनाम दूंगा तो दोस्तों हमारा शेड कंप्लीट हो गया अब इसकी कंप्लीट का प्राइस बताता हूं मैं आपको ये है सात फिट ये है सात फिट ऐसे बीस फिट ये लंबाई है बीस बाई सात और दो फिट की ये जो इसकी हाइट है दो फिट है तो जितनी शीट लगेगी उतने एक सौ तीस रुपये स्क्वेयर फिट के हिसाब से पैसे बढ़ेंगे सात और दो नौ नौ बाई बीस एक सौ अस्सी स्क्यर फिट ये हो गया दोस्तों और इसके बाद ये जो साइड पे जो शीट लगाई है ये जो साइड पे शीट लगी हुई है ये ढाई फिट है पीछे से आगे से दो फिट है तो ढाई फिट के ही पैसे लगेंगे आपके ढाई ये ढाई वो पाँच पाँच बाई सात ये लंबा है पाँच बाई सात पैंतीस स्क्यर फिट ये हो गया टोटल मिला के दो सौ पंद्रह स्क्यर फिट दो सौ पंद्रह फिट इंटू एक सौ तीस रुपये सोलह अप्रैल दो हज़ार बाईस का रेट बता रहा हूँ आप आगे पीछे वीडियो देखेंगे हो सकता है रेट चेंज हो जाए फाइबर का रेट कम हो जाए या बढ़ जाए लोहे का रेट कम हो जाता है बढ़ जाता है तो उसका मेरी गारंटी नहीं है मैं अभी के रेट बता रहा हूँ हमारे एलनाबाद के रेट बता रहा हूँ हम रहते हैं एलनाबाद में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमें बनवाना है सर हमें भी बनवाना है मैसेज करते हैं व्हाट्सअप करते हैं तो आप है ना मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ हम रहते हैं एलनाबाद में एलानाबाद जिला सिरसा हरियाणा इधर साइड में लिखा हुआ आ रहा है देख लेना ठीक है एलानाबाद जिला सिरसा हरियाणा हमारे एलनाबाद से गूगल पे सर्च कर लेना आपका शहर कितनी दूर है जिसको भी बनवाना है आपका शहर हमारे शहर से कितना दूर है उतनी दूरी के पर सौ किलोमीटर के हम आपसे दो हज़ार लेंगे पर हंड्रेड किलोमीटर के दो हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेंगे इसके रेट के अलावा ये काम हमने हनुमानगढ़ टाउन में किया है अगर आपने हमसे ये काम पचास किलोमीटर दूर करवाना है तो उसके हम रेट के अलावा हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेंगे सौ किलोमीटर दूर करवाना है रेट के अलावा दो हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेंगे वो कैलकुलेशन आप कर लेना कितनी दूर हो आप हमसे करवा सकते हो हम पर 50 किलोमीटर के हज़ार रुपये सौ किलोमीटर के दो हज़ार रुपये चार्ज करते हैं एक्स्ट्रा चार्ज और ये हमारा 215 सौ पंद्रह इंटू एक सौ तीस रुपये स्क्वेयर फिट ये फाइबर ग्लास शीट लगी है अगर इसकी बजाय आप पॉलीकार्बोनेट शीट में जाएंगे तो वो एक सौ सत्तर रुपये स्क्वेयर फिट बनेगा टोटल माल यही लगेगा खाली शीट चेंज हो जाएगी पॉलीकार्बोनेट शीट डायमंड लगाओ या अंबोज लगाओ वो आप कोई सी भी लगा सकते हो यहाँ पे स्टील की जाली भी ऐसे ही लगेगी बाकी सब कुछ सेम रहेगा पीछे की साइड में मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे हमने सिलिकॉन लगा दिया सिलिकॉन सीलेंट जिससे कि लीकेज ना हो जो बारिश का पानी ऊपर से आएगा जो ऊपर से पानी आता है वो यहाँ पे ना टपके इसके अंदर ना जाए गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा कि सिलिकॉन सीलेंट लगा रखा है यहाँ पे पूरा तो ये लगा हुआ है सिलिकॉन तो दोस्तों ये हो गया एक सौ तीस फिट टोटल टोटल कॉस्ट इसकी सत्ताईस हजार नौ सौ पचास रुपये है सत्ताईस हजार नौ सौ पचास रुपये जितना साइज़ है उसको एक सौ तीस रुपये से गुणा कर देना ऊपर का साइज ये वाला साइज सात और दो नौ नौ बाई बीस एक सौ अस्सी और 35 फुट दोनों साइडों में लगा 35 स्क्वायर फिट टोटल मिला के दो सौ पंद्रह इंटू एक सौ टोटल अमाउंट बना है और हज़ार रुपये जो हमारे एक्स्ट्रा थे तो कुल मिला के उनतीस हज़ार रुपये में ये कंप्लीट हुआ है हमारा शेड इसकी खूबियां मैंने आपको बता ही दी हैं बाकी अगर इसमें कोई कमी अगर आप सोचोगे तो वो इतना ही है कि कोई चीज़ इसके ऊपर गिरती है तो ये फाइबर ग्लास शीट टूटती है चाहे कोई भी शीट हो वो टूट ही जाएगी कुछ लोग सवाल करते हैं कि भाई बंदर कुद देंगे टूट जाएगी तो क्या है कि आप एक काम करो आप मेटल की शीट लगा दो लोहे की लगा दो अगर आपको टूटने का खतरा है तो लोहे की लगा दो खेल ख़त्म फाइबर ग्लास शीट ऐसे ही होती है या फिर टफन ग्लास लगवा लो इसकी जगह पे उसके डेढ़ लाख रुपए या इससे भी ज़्यादा खर्चा आ सकता है वो आपके ऊपर है ठीक है सवाल करने वाले मुंह उठा के सवाल फेंक देते हैं कि भाई ये कमी है ऐसा बना हुआ वीडियो भेज देना इंस्टाग्राम आई डी मोलिसिंग नाइनटीन एटी सिक्स इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना इसका जो अगर ऐसा बना हुआ आपने कहीं देखा तो उसका वीडियो मुझे भेजना मैं आपको हज़ार रुपये इनाम दूंगा आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाएँ थैंक यू फॉर वॉचिंग